और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फुटबॉल टोकन के बारे में कि आखिरकार उसे कैसे कलेक्ट करना है। एंड साथ ही गाइस, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यस गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड हाँ गाइस, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग खुद ही देखो यार, हम लोग 5 लाख के कितने ज्यादा करीब है। सो यस गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार ये फुटबॉल टोकन हमें कैसे कलेक्ट करना है। सो देखो गाइस, इस वाले फुटबॉल टोकन को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली गेम खेलना होगा, यानी कोई सा भी मोड, बीआर रैंक, लोन वोल्ट, कोई भी मैच हो, वो आपको सिंपली खेलना है। जैसे ही गेम से बाहर आओगे तो आपको ये वाला टोकन मिल जाएगा। एंड आप लोग यहां पर खुद ही इवेंट वाले सेक्शन में देखो, अगर आपको ये वाला टोकन चाहिए, यानी फुटबॉल टोकन आपको चाहिए, जिससे आप लोग बहुत सारे रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज कर पाओगे। एंड इसे आप लोग कलेक्ट कैसे कर पाओगे, तो आफ्टर मैच ड्रॉप से ये मिलने वाला, यानी जैसे ही आप लोग गेम खेल करके बाहर आओगे वैसे ही आपको वो टोकन मिल जाएंगे, एंड जिससे आप वाउचर वगैरह या फिर जो भी बंडल्स वगैरह उसे एक्सचेंज कर पाओगे। एंड साथ ही साथ इसकी टाइमिंग की बात करें तो वो आपको आज 9 बजे से स्टार्ट देखने को मिल जाएगा, यानी 9 बजे के बाद जैसे ही आप लोग गेम खेलोगे वैसे ही आपको टोकन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ गाइस, बात करें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो देखो यार, आप सभी को पता था कि हॉल ऑफ इलाइट का इवेंट 9 तारीख से आने वाला है, एंड उसमें सारे के सारे ओल्ड इलाइट पासेस आने वाले, लाइक सकुरा बंडल, हिप हॉप बंडल, जो भी सीजन 3 सीजन 4, वो सारे के सारे ओल्ड इलाइट पासेस आने वाले। लेकिन देखो गाइस, अभी के लिए हॉल ऑफ इलाइट का इवेंट जो 9 तारीख को आने वाला था वो नहीं आएगा, वो अभी कैंसिल हो चुका है, एंड आपको अभी 9 तारीख को देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है वो आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद दोबारा से देखने को मिले, बट अभी के लिए हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट का जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुआ है, जो 9 तारीख को आने वाला था वो नहीं आएगा। और हाँ गाइज, ऐसा नहीं है कि हॉल ऑफ इलाइट का इवेंट आएगा ही नहीं, बट हाँ आएगा, लेकिन उसका अभी डेट कंफर्म नहीं है कि भाई कब आएगा। ओके, हो सकता है आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद देखने को मिले, बट गाइज ये थोड़ा सा लोचा टाइप का हो गया है। देखो पहले तो कंफर्म हो गया था, बट यहाँ पर सीन ये हो गई है कि डेट चेंज ही हो गया, मतलब जो 9 तारीख को आने वाला था ना वो आएगा ही नहीं उस दिन। ओके, आपको किसी और दिन देखने को मिल जाएगा। सो इस न्यूज से आप लोग खुश हो या फिर दुखी हो, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना, कमेंट जरूर से करना सारे के सारे बंदे। एंड साथ ही साथ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर कंफर्म डेट पता चलेगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। साथ ही साथ गाइस, आप लोग ट्रेंड वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको एंजेली का एक स्पेशल सेक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी का एक लक रॉयल आने वाला है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे एंजेलिक की चीजें रहने वाली है, यानी एंजेलिक पैंट, एंजेलिक टी शर्ट, एंजेलिक कैप, एंजेलिक मास्क, जितने भी चीजें रहेंगे वो सारे के सारे एंजेलिक रहेंगे, एंड जस्ट अपने इंडियन सर्वर में आने वाला कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। एंड जो पैंट रहेगी वो लेजेंडरी रहेगी, यानी उसके अंदर से आपको एंजेलिक वाली जो विंग्स है वो देखने को मिल जाएगी इफेक्ट के साथ। साथ ही साथ गाइस, विंटरलैंड का इवेंट हमारे गेम के अंदर हर बार देखने को मिलता है, एंड इस बार भी देखने को मिलेगा, एंड उसी के ऊपर आपको एक लक रॉयल देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको विंटरलैंड की बंडल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ ग्लू वॉल वगैरह देखने को मिल जाएगी, फिस्ट की स्किन देखने को मिल जाएगी, एंड ये एक स्पेशल लक रॉयल रहने वाला है, एंड ये भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, यानी जब अपनी विंटरलैंड की इवेंट स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाएगी। एंड हो सकता है कि ये ही आपको पहले देखने को मिल जाए, एंड जो एंजेलिक वाली है वो आपको बाद में देखने को मिले, बट हाँ ये दोनों आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, एंड बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस, आप लोग कमेंट करके बताने कि आप लोग को इन सब चीजों में से सबसे फेवरेट कौन सा लगा, एंड वो जो न्यूज है वो सुन के आपको कैसा लगा, जो अपनी ओल्ड इलाइट पास वाली न्यूज थी वो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।